हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर आपके अपने स्ट्रीट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो पॉलिटिकल साइंस है इसका जो चैप्टर 8 है रूरल लाइवलीहुड, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका था चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले, इसमें ए नंबर का आपका कि फार्मर्स आर प्रैक्टिसिंग अदर ऑक्यूपेशन लाइक आपके जो फिशिंग टीचिंग और माइनिंग, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा फिशिंग। देन बी नंबर है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मेड टू सूट द इंडस्ट्रीज या फिर आपके विलेजेस या फिर इंडिविजुअल्स, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो इंडिविजुअल्स को सूट करे इस तरीके से बनाए जाते हैं या फिर उस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। देन सी नंबर है रूरल असिस्ट और मेंटेन बाय द, रूरल असिस्ट को किनके द्वारा मेंटेन किया जाता है, लैंडलॉर्ड्स गवर्नमेंट या फिर आपका कम्युनिटीज, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिटीज। देन ऑपरेशन फ्लड हेल्प द, ऑपरेशन फ्लड किसको हेल्प करता है, तो डेयरी इंडस्ट्रीज को, पोल्ट्री इंडस्ट्रीज को या फिर आपके फिशिंग इंडस्ट्रीज को, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डेयरी इंडस्ट्रीज। देन ई नंबर जो लास्ट आपका जो चूज द ऑप्शन में से है, ग्रोविंग न्यू क्रॉप्स हेल्प प्रोडक्टिविटी टू, जो न्यू क्रॉप्स है वो हेल्प कर प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है एस्टैब्लिश या फिर आपके इंक्रीज या फिर आपके डिक्रीजेस, तो न्यू क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो ये जो आपका क्या हो गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, देन मैच द कॉलम्स वाले जो क्वेश्चन है इसमें आपका कॉलम ए से कॉलम बी को आपको मैच करना है। सो यहाँ पर चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर है कि आपके जो प्रैक्टिसिंग जो अल्टरनेट ऑक्यूपेशन है वो क्या करता है, इंक्रीज इनकम को इंक्रीज करता है। फिशिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू कोस्टल एरियाज है, वहीं तक जो है ज्यादातर जो फिशिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, वहीं तक किया जाता है। देन फार्मर्स फेडरेशन प्रोवाइड्स, फार्मर फेडरेशन क्या प्रोवाइड करता है, तो असिस्टेंस लाइक इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स। देन डेयरी इंडस्ट्रीज इज ग्रोइंग फास्ट ड्यू टू यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी डेयरी इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है तो वो ग्रो कर रहा है। देन मनी लैंडर्स हैड मोनोपोली ओवर मार्केट इन विलेज, विलेज मार्केट में ज्यादातर मनी लैंडर्स है उनका कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से मैच वाले जो क्वेश्चन थे उसके सोल्यूशन हुए। नेक्स्ट आपका आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका जो फर्स्ट ए नंबर का क्वेश्चन है बेटर क्रॉप मैनेजमेंट हेल्प इंक्रीज, किनको इंक्रीज करता है, इनकम को, प्रोडक्टिविटी की या फिर सेल्स को, तो बेटर जो क्रॉप मैनेजमेंट है वो इंक्रीज करता है हमारे इनकम को। देन नेक्स्ट आता है आपका इंडिया इज अ प्रीडोमिनेंटली डैश सोसाइटी, तो क्या है, एग्रीडियन अर्बन या फिर सेंसिटिव, तो यहाँ पर आपका जो फिलअप में हो जाएगा एग्रेरियन सोसाइटी हमारा इंडिया जो है। देन पोल्ट्री जो फार्मिंग रिक्वायर डेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो हाई कैपिटल, लो कैपिटल या फिर सब्सटेंशियल, तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है पोल्ट्री फार्मिंग में, ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। देन नेक्स्ट आता है आपका डी नंबर का कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हैज रिड्यूस्ड डैश इन रूरल फैमिलीज, तो जो क्लीन जो वाटर है तो वो क्या रिड्यूस करता है, तो वो जो इलनेस है मतलब बीमारियां जो है उनको कम कर देता है। देन नेक्स्ट आता है आपका ये नंबर का वुमेन्स हेल्प हर ग्रुप कैन हेल्प टू स्प्रेड डैश अबाउट सोशल कॉजेस, सोशल कॉजेस से रिलेटेड क्या फैलाने का जो प्रयास है हेल्प करता है, हेल्प टू वो जो है आपके अवेयरनेस फैलाता है सामाजिक जो बुराइयां के प्रति महिलाओं में। देन नेक्स्ट जो आता है आपका पुट अ राइट मार्क इफ द स्टेटमेंट इन करेक्ट एंड रॉन्ग इफ इनकरेक्ट, तो ये ट्रू एंड फॉल्स वाले टाइप के क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आता है फार्मर्स फेडरेशन आर द मोनोपोली ऑफ द रिच फार्मर्स, ये आपका ट्रू है, जो फार्मर फेडरेशन होता है ज्यादातर वहां पर रिच फार्मर ही होते हैं और उन्हीं का चलता है। देन इंडिया हैज 2 मिलियन नॉटिकल माइल्स ऑफ सी वेल्थ अवेलेबल, यस यहाँ पर जो है 2 मिलियन जो नॉटिकल माइल्स है वहां तक जो है इंडिया जो है फिशिंग वगैरह जो है कर सकता है। देन नेक्स्ट आता है लो स्किल लेवल्स अफेक्टेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ फार्मर्स, ये भी आपका क्या है ट्रू हो जाएगा, राइट मार्क स्टेटमेंट है, लो स्किल है तो आपको जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है डी इंडिया डज नॉट एक्सपोर्ट डेयरी प्रोडक्ट्स, ये आपका जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो इंडिया है अपना जो डेयरी जो प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट करता है बाहर दूसरे देशों में बेचते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट आएगा आपका क्रिएशन ऑफ रूरल कम्युनिटी असिस्ट आर अ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम, तो ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो आपके जो रूरल कम्युनिटी के असिस्ट जो क्रिएट किए जाते हैं वो जो है रूरल कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल होता है, ना कि वेस्ट ऑफ मनी या फिर टाइम का वेस्ट नहीं होता है, है ना, तो ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो
ये जो है आपके जो ट्रू एंड फॉल्स वाले टाइप के क्वेश्चन हुए। देन नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग से रिलेटेड। तो ज्यादातर जो क्लासेस में आपके जो है ज्यादातर टीचर इसको नहीं बोलते, फिर भी मैं आपके हेल्पफुली ये प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आपको जो है ऑपरेशन जो फ्लड हुआ था 1965 में आनंद गुजरात में, तो उससे रिलेटेड वो आपको बातें नोट डाउन करने हैं। सो आंसर में आपका है कि ऑपरेशन फ्लड वाज अ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB ऑफ इंडिया इन 1965। मतलब 1965 के बाद ये जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। देन आपका जो आता है द प्रोग्राम वाज अ ह्यूज सक्सेस एंड लेड टू अ शार्प इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री। और ये जो ऑपरेशन फ्लड है या फिर जो ये जो डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था डेयरी से रिलेटेड, वो बहुत ही ज्यादा सक्सेस हुआ और इसके बाद जो है डेयरी प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा सक्सेस मिला, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। और डॉक्टर जो वर्गीज कुरियन है इज नॉन एज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, इन्हीं के प्रयास से ही ये जो ऑपरेशन फ्लड या फिर जो जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन के रूप में जानते हैं इंडिया में सक्सेस हो पाया, सफल हो पाया और इसको हम फादर के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से दो पॉइंट्स में मैंने ये आपके जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसके सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट आपको आता है ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड। सो वे टू इनकरेज मोर अर्बन यूथ टू टेक अप कमर्शियल फार्मिंग एज अ प्रोफेशन, वो क्या माध्यम हो सकते हैं जिससे हम जो यूथ को जो आपका क्या कर सके कमर्शियल जो फार्मिंग प्रोफेशन में इन्वॉल्व होने के लिए उनको बोल सकते हैं। तो सम ऑफ द वे टू अचीव दिस आर, यहाँ पर आता है मोटिवेट द यूथ बाय शोइंग सक्सेस स्टोरी ऑफ फार्मर्स। हम यूथ को जो है सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं कि फार्मर्स का कि इस तरीके से ये फार्मर सक्सेस हुए तो आप भी सक्सेस हो सकते हो। देन क्रिएट अवेयरनेस अमंग द यूथ अबाउट मॉडर्न टेक्निक्स एंड अ प्रॉफिटेबल फार्मिंग इन लेस लैंड एरिया। मतलब हम जो है यूथ को ये बता सकते हैं कि भाई नए जो मेथड नए हैं मॉडर्न जो टेक्निक्स है उसका यूज करते हुए छोटे से छोटे एरिया में भी हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। देन प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू ऑल क्रॉप, सभी जो क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। देन ऑफर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू टीच यूथ फार्मर्स, और साथ ही साथ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो ऑर्गेनाइज करना चाहिए। देन इंटीग्रेटेड द एग्रो इकोनॉमी थ्रू वैल्यू चैन एंड मार्केट लिंकिंग यूजिंग कोल्ड स्टोरेज सिस्टम। तो इससे क्या होगा, ये सभी जो चीजें हैं कि भाई जो कोल्ड स्टोरेज जो सिस्टम्स आ गए तो जो है हम जो प्रोडक्ट्स को कभी भी बेच सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो यूथ को क्या कर सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं कमर्शियल फार्मिंग जो प्रोफेशन में आने के लिए। तो ये कुछ जो 5 पॉइंट्स है, आप जितना चाहे उतना पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं या फिर नोट डाउन नहीं करना, और डिस्कशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देन नेक्स्ट आता है शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन। इसमें आपका ये नंबर आता है कि द ऑक्यूपेशन अवेलेबल रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में जो ऑक्यूपेशन अवेलेबल होता है उनको आपको बताना है और इनको क्लासिफाइड करना है कि कौन सा जो एनवायरमेंटल बेस है और कौन जो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में है। तो यहाँ पर जब सबसे पहले देखिए एनवायरमेंट बेस्ड जो ऑक्यूपेशन है जिसमें फिशिंग आता है, पॉटरी आता है, कारपेंट्री है, फार्मिंग है, स्मॉल स्केल जो कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब जो एनवायरमेंट से जो चीजें लेकर जो हम ऑक्यूपेशन करते हैं जैसे फिशिंग, तो फिशिंग जो तालाब में, पॉन्ड्स में, रिवर्स वगैरह में होता है, तो वो जो एनवायरमेंट है ना, इन नेचर के द्वारा क्रिएट है, तो ये एनवायरमेंट बेस्ड ऑक्यूपेशन। देन नेक्स्ट आता है आपका सर्विस प्रोवाइडर ऑक्यूपेशन, जो सर्विस प्रोवाइड सर्विस देता है जैसे टीचर है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स है, आपके जो मैकेनिक्स वगैरह है, इलेक्ट्रिशियंस है, ब्लैक स्मिथ्स है, कॉबलर्स है, ये सभी क्या है, हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम ऐसे वगैरह देते हैं। तो ये आपके एक आंसर हुआ। देन सेकंड बी नंबर आता है आपका गिव एन अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट इन अल्टरनेट रूरल ऑक्यूपेशन, और रूरल आपके जो ऑक्यूपेशन जो अल्टरनेट और दूसरे जो ऑक्यूपेशन डेवलप हुए उसके बारे में आपको बताना है। तो द डेवलपमेंट इन अल्टरनेट रूरल ऑक्यूपेशन अदर देन एग्रीकल्चर जो हुए, अदर देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर छोड़ के और जो अदर जो अल्टरनेट रूरल ऑक्यूपेशन जो डेवलप हुए, व्यवसाय जो काम करने लोगे जिसमें आपके एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है, पोल्ट्री है, लाइवली स्टॉक रेयरिंग है, ये सभी जो है आपके किससे अदर है, ये जो एग्रीकल्चर को छोड़ के जो अदर जो क्या है ऑक्यूपेशन है जो लोग करते हैं काम करते हैं। देन मेंशन द प्रॉब्लम अफेक्टिंग विलेजेस, विलेजेस में क्या क्या जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो रैपिड मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर अफेक्टिंग रूरल सोसाइटीज। मतलब जो है ये जो क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन होते जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इससे क्या होता है कि जो लोग हैं वो गांवों को छोड़कर शहरों की ओर जाने लगते हैं और इससे कहीं ना कहीं जो रूरल जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं खतरे में चला जाता है क्योंकि गांव में फार्मिंग करने वाले ही लोग नहीं बचते हैं। देन
नेक्स्ट आता है आपका डी नंबर का कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंपावरिंग रूरल कम्युनिटीज, रूरल कम्युनिटीज को जो इंपावरिंग करने के क्या एडवांटेज है। तो यहाँ पर इट इनेबल विलेजर्स टू मैनेज द लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड दस देयर इनकम। मतलब जो ये जो एडवांटेज होगा कि भाई हम जो रूरल कम्युनिटीज को, तो इससे क्या होगा कि जो लिमिटेड जो रिसोर्स अवेलेबल है उसका बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ उससे जो है उनका इनकम भी इंक्रीज होगा। देन ई नंबर आता है हाउ डू लो स्किल अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ द फार्मर्स। मतलब लो स्किल है तो उनके जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसको किस तरीके से इफेक्ट डालता है। तो सीधी सीधी बात है कि जो लो स्किल जो लेवल्स है वो क्या कहते हैं, लीव देम विद वेरी फ्यू ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो आपके पास स्किल ही नहीं है तो आपको जो है काम ही नहीं मिलेगा, है ना, आपके पास काम के ऑप्शन कम हो जाएंगे। तो डायरेक्टली यहाँ पर वही जो चीजें हैं आंसर है, एक लाइन का आंसर है, शॉर्ट आंसर। देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में देखें तो आपका एक नंबर आता है कि डिस्कस इन डिटेल द स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन टू इम्प्रूव कंडीशन इन रूरल सोसाइटी। मतलब रूरल सोसाइटी में जो है क्या करना है, इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है कि क्या क्या स्टेप लिया जा सकता है। तो द स्टेप दैट नीड टू बी टेकन टू इम्प्रूव कंडीशन इन रूरल सोसाइटीज आ रही है, सभी जो है आपके क्वेश्चन में ही है ना, याद करने जाएंगे रिमेम्बरिंग जब आप एग्जाम के समय, तो यहाँ से आप जो है ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन में ही है और आपको लास्ट में आर लगा देना है, पॉइंट वाइज देना है। तो इम्पोर्टेंस should be given to increase the skill level of villagers as part of human resource development who need to be given equal importance। मतलब हमें क्या है, importance देना है, हमें जरूरत है भाई कि जो skill जो villagers है उनके जो skill को जो है improve करने के लिए हमें देना चाहिए, जिससे क्या होगा हमारा human resource development होगा और इसमें जो है महिलाओं को भी equally जो main जो शामिल है उसी तरीके से महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए, increase जो है उनके जो करना है किसमें, skill में। देन सेकंड पॉइंट आता है कि जो टेक्निकल स्किल लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैंड पंप मशीनरीज आर ट्रेनिंग इन ऑपरेटिंग मशीनरीज इन फैक्ट्रीज कुड लेड टू एम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ हमें एक और चीज करना है भाई कि जो टेक्निकल जो नॉलेज है, टेक्निकल स्किल्स है वो हमें प्रोवाइड करना है, जैसे रिपेयर करना या फिर गाँव में जो हैंड पंप वगैरह होता है उसको किस तरीके से रिपेयर किया जाए, किस तरीके से उसको मेंटेन किया जा सकता है, मशीनरीज है या फिर जो डिफरेंट टाइप के जो मशीन्स वगैरह है उनको ऑपरेट करने का ट्रेनिंग हो फैक्ट्री में जो करते हैं, तो उससे क्या होगा कि गांव वाले लोग हैं वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। देन अवेयरनेस विल मेक इट इजी फॉर द कम्युनिटी टू मैनेज देयर रिसोर्सेस। मतलब जो अवेयरनेस हम उनको क्या करेंगे, जानकारी अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे, तो जो लोग वहां पर रहते हैं विलेज जो पीपल्स हैं उनको क्या होगा कि उनके पास जो रिसोर्स अवेलेबल है जैसे वाटर है उनका ज्यादा से ज्यादा जो बेहतर जो इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क में उनका रिसोर्स का वो यूज कर सकते हैं। देन देयर इज आल्सो अ नीड टू क्रिएट रूरल असेट्स फॉर द विलेजर्स व्हिच दे नीड टू लर्न टू मैनेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अब रूरल असेट्स मतलब गांव में कुछ ऐसे संसाधन जो होने चाहिए संपत्ति के रूप में हो, जब जिनका जरूरत हो तो वो उनका यूज कर सके। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे द्वारा आपको 4 पॉइंट प्रोवाइड किया गया, आपको सॉर्ट करना है तो आप 3 पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हैं, आपके टीचर साहब के अलाव करते हैं तो आप 2 पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। देन नेक्स्ट आता है आपका बी नंबर का है कि डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर्स इन विलेजेस एंड देयर कनेक्शन टू ईच अदर। अब फार्मर्स को जो है अपने जो गांव में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, तो जरली यहाँ पर आएगा कि जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन विलेजेस आर पुअर एंड हैड मेड आर नो लैंड होल्डिंग। मतलब आपके जो हम जो देखेंगे तो गांव में जो फार्मर्स होते हैं उनके पास बहुत ही गरीब होता है और उनके पास जमीन या तो बहुत छोटा होता है या फिर बहुत कम जमीन होता है उनके पास। सो दे डू नॉट हैव सफिशियंट कैपिटल टू इन्वेस्ट इन देयर मोर लैंड एंड हेंस हैव टू वर्क ऑन अदर फार्मर्स। अब ये जो फार्मर्स है उनको एक और प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि उनके पास जो है क्या होता है सफिशियंट कैपिटल, मतलब सफिशियंट अमाउंट में उनके पास मनी ही नहीं होता है, पैसा ही नहीं होता है जो अपने खेतों में वो इन्वेस्ट कर सके, जो इससे कारण से उनको तो दूसरे जो फॉर्म्स है, दूसरे जो जमीन है, किसान है, जो बड़े किसान है, मनी लैंडर्स है, लैंडलॉर्ड्स है, उनके यहाँ जाकर काम करना पड़ता है। देन द प्रॉफिट द पुअर फार्मर्स मेक फ्रॉम देयर फील्ड इज जस्ट सफिशियंट टू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ देयर फैमिली। और जो ये जो पुअर जो फार्मर्स हैं जो खेती कर रहे हैं तो उनको सिर्फ इतना ही प्रॉफिट होता है कि वो भाई अपने परिवार को जो चला सके, जो उनकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उतना ही उनको प्रॉफिट होता है या फिर उतना ही होता है, तो बाकी अदर चीजों के लिए वो जो है अपना अमाउंट है वो इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता है। देन
ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन द होल फैमिली हैज टू वर्क इन फील्ड टू अवॉइड स्पेंडिंग ऑन लेबर। मतलब यहाँ पर हम ये देखेंगे तो क्या होता है कि भाई जो आपके जो फैमिली है वो पूरे के पूरे कटाई के समय खेतों में चले जाते हैं, तो पूरा का पूरा वही जो है लेबर के रूप में काम करने लगते हैं। देन हाई जो लेवल लिटरेसी है एंड लो स्किल लेवल्स लीव देम विद वेरी फ्यू ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो उनके पास पढ़ाई लिखाई कम किए हैं, है ना, तो इसके कारण से उसके जो इनके पास स्किल ही कम है, तो इसके कारण से उनके पास ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन भी नहीं है। तो ये आपका नेक्स्ट अलग पॉइंट होगा। तो यहाँ पर आपके 1, 2, 3 और 4 पॉइंट्स है। आप मैंने पहले ही बता दिया कि आपको जितना सफिशियंट लगता है, तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स है। तो 5 पॉइंट्स में आप 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो जितना सफिशियंट है आपके टीचर चलाओ कर, तो उतना पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन लास्ट जो क्वेश्चन आता है आपका इस चैप्टर का कि जो डिस्कस द बेनिफिट्स एंड रिप्रिकेशंस ऑफ ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर। सो यहाँ पर जो है आपको जो बेनिफिट्स आपको बताने हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हुआ, तो द यूज न्यू टेक्नोलॉजीज, बेटर क्रॉप मैनेजमेंट विद सुटेबल पेस्टिसाइड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ इनोवेटिव मेथड्स ऑफ इरीगेशन एंड प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप, दिस हैज हेल्प देम स्विच फ्रॉम ग्रोइंग रेन डिपेंडेंट क्रॉप टू ग्रोइंग वेजिटेबल क्रॉप्स। मतलब जो बेनिफिट्स क्या हुआ कि भाई हम अच्छे जो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करें, नए टेक्निकों का यूज कर रहे हैं, बेहतर हम क्रॉप मैनेजमेंट कर रहे हैं, सुटेबल जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज कर रहे हैं, कीटनाशक है, अच्छे क्वालिटी के सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हम यूज कर रहे हैं, इनोवेटिव जो मेथड्स यूज कर रहे हैं इरीगेशन का, सिंचाई देने का, और जो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स जो है हम क्रॉप्स जो है डिफरेंट प्लांटिंग जो है डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि इस तरीके से हम जो चीजें करते हैं तो उससे हम जो पहले जो रेन जो डिपेंडेंट क्रॉप्स ग्रो करते थे, अब जो है हम डिफरेंट टाइप के जो वेजिटेबल जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, इससे जो है प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है, और ज्यादा प्रॉफिट होता है तो एक जो बेनिफिट्स है कि जो एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ हो रहा है उनका। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम नोट डाउन कर सकते हैं कि यूजिंग इनोवेटिव फार्मिंग टेक्निक्स हैज ऑल्सो हेल्प फार्मर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटीज। मतलब इनोवेटिव जो फार्मिंग जो टेक्निक्स, ज्यादा से ज्यादा हम टेक्निक यूज करें तो उससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रहा है, और इससे जो है लोगों का इनकम भी क्या होता है इंक्रीज होता है। तो ये जो पॉइंट्स है आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड न्यू चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव हेल्प फार्मर टू प्रोग्रेस। तो जो है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, नए नए कम्युनिकेशन के जो चैनल्स आ रहे हैं, सिस्टम आ रहा है, चाहे वो डिफरेंट टाइप के जो टीवी चैनल्स हो, मोबाइल के थ्रू हो, तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशन हो रहा है तो उससे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ग्रोथ हुआ है और फार्मर्स को बेनिफिट मिलते जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपको जितना पॉइंट आपको सफिशियंट लगता है वो नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी जो सोल्यूशंस थे मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।